नमस्कार, मैं हूँ निशा और आप देख रहे हो ऐसे न्यूज़। अभी तक सिर्फ जो दलित हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उन पर जहाँ वो रहते थे, जो रियलिटी है, जो रियलिटी की लाइफ जी जाती है, जहाँ समाज के अंदर वो लोग रहते हैं, जैसे कि यूपी के अंदर, वहाँ पर उन पर अत्याचार हो रहा था, वो क्या कम था। जो अब जो प्रकाश झा की जो फिल्म है आश्रम, उसमें भी दलितों पर अत्याचार ही दिखाया है। ये वो फिल्म तो काल्पनिक है, लेकिन जो एक्चुअली रियलिटी है उसमें भी दलितों पर अत्याचार कम नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये क्या सही है कि आश्रम जो फिल्म है उसमें भी दलितों पर अत्याचार, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है? ऐसा करना कहां तक सही है, कहां तक गलत है? ये सही तो नहीं कहा जा सकता, एक्चुअली ये गलती है। क्योंकि किसी भी जाति के लोगों की जो आत्मविश्वास होता है, किसी भी जाति को हम इस तरह से फिल्म के माध्यम से नहीं दिखा सकते, किसी को फिल्म के माध्यम से किसी भी जाति के लोगों को नीचा नहीं दिखा सकते। लेकिन प्रकाश झा की जो फिल्म है, जो वेब सीरीज़ है, प्रकाश झा के द्वारा जो वेब सीरीज़ रिलीज़ की गई है आश्रम, उसमें ऐसा ही दिखाया गया है। लेकिन जो वेब सीरीज़ है इसे विवादों से घिर गई है। ये वेब सीरीज प्रकाश झा और बॉबी देओल के द्वारा जो ये वेब सीरीज़ है जो बनाई गई है, वो ढोंगी बाबा गुरमीत राम रहीम की जो ज़िंदगी थी, जो जेल भी गए थे, उनकी जो ज़िंदगी थी उसकी कहानी से प्रेरित होकर बनाई गई है, ऐसा बताया जाता है। आश्रम जो फिल्म है उसकी जो 9 एपिसोड है, 9 एपिसोड MX प्लेयर पर भी आ चुके, जिसके बाद जो भीम आर्मी के नेता हैं, जो बहुजन समाज के लोगों के जो आत्म सम्मान है उसको जो इस फिल्म के माध्यम से ठेस पहुंचाई गई है, उसको लेकर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दे दी गई है। भीम आर्मी के जो नेता हैं सुनील अस्ते, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा है कि जो वेब सीरीज़ है आश्रम, उसके खिलाफ़ उन्होंने जो बहुजन समाज के लोगों के आत्म सम्मान को ठेस पहुँची है उस पर कानूनी कार्रवाई की बात कही है। सुनील अस्ते ने लिखते हैं आगे कि जो प्रकाश झा द्वारा निर्मित की गई वेब सीरीज़ है उसकी जो 9 के 9 एपिसोड हैं जो वे MX प्लेयर पर आ रहे हैं, वो मैंने पूरी तरह से गंभीरतापूर्वक देखे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसला था कि जो हरिजन शब्द है उसको सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया गया था। बैन होने के बाद भी जो एक काल्पनिक फिल्म है, वेब सीरीज़ जो है आश्रम, उसमें दलितों को बार बार उन्हें हरिजन कहा गया है, बैन होने के बावजूद भी ऐसा कहा गया है। और इस फिल्म में जो दलित लोग हैं, वो दलित लोग हैं जो आरक्षण के कोटे से जो नौकरी कर रहे हैं उनको नीचा दिखाने की कोशिश की गई है, नीचा दिखाया गया है। आगे उन्होंने लिखा है कि संवैधानिक जो पद हैं, पुलिस की जो भर्ती होती है, उन्हें जाति व्यवस्था पर बांट दिया गया है। और इस जो फिल्म है इसमें जो सरपट समाज के लोग हैं उनको ऊंचा दिखाया गया है, और जो दलित समाज के लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, उन्हें नीचा दिखाने का पूर्व जोर प्रयास किया गया है। इससे जो समाज का आत्म सम्मान है उसको ठेस पहुंची है। और वो लिखते हैं कि जो इसके निर्देशक हैं, कलाकार हैं, हम निर्देश और कलाकार तथा रिलीज वेब सीरीज और MX प्लेयर जो है उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। भीम आर्मी के जो एक और नेता हैं जिनका नाम है गुलजार सिद्दीकी, उन्होंने भी अपने ट्विटर अकाउंट से यही लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जब जो हरिजन शब्द है उसको बैन कर दिया गया है, उससे मनाही कर दी गई है पूरी तरह से, कोई भी उसका उपयोग नहीं करेगा, लेकिन फिर भी ये सीरीज़ है इसके अंदर बार बार हरिजन शब्द कहा गया है दलितों को। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।